आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था गुडविल निकालने के लिए आधार में हमें जो सबसे पहला था वो था हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो हमने पिछले वीडियो में निकालने का तरीका सीखा था। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से बेस ही हमारा सुपर प्रॉफिट निकलता है। तो सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो होता है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, उसकी राशि में से यदि हम नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो जो भी एक्स्ट्रा राशि होगी वो हमारी कहलाएगी सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट ही एकमात्र वो पॉइंट है, वो फैक्टर है जिसकी वजह से गुडविल जेनरेट होती है किसी भी संस्था में। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोग देख चुके हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट यानी हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो ये है कि वो संस्था वास्तव में फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमा के हमको दे देगी, यानी अभी कितना प्रॉफिट कमा रही है उसमें से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे फ्यूचर एक्सपेंसेस और इनकम का। फिर हम देखेंगे कि ये जो संस्था है जिसको हम खरीदने जा रहे हैं वो हमें फ्यूचर में कितना कमा के एक्चुअल में प्रॉफिट देगी, वो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। उसको हम कंपेयर करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब इन जनरल यदि हम सिंपल वे में भी यदि कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मल कोर्स में हमें कितना प्रॉफिट मिल जाएगा वो हमारा कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सुपर प्रॉफिट होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की हम गणना निकालने के लिए इसमें हम निकालते हैं, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम निकालेंगे यहाँ पर मतलब जो फार्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का वो है हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट समझने हैं, एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फर्स्ट हम देखेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज जैसे पता है अपने को कि एवरेज हम निकालते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने से पहले निकालेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का जो पहला तरीका है वो है, उसके लिए हम असेट्स अप्रोच लेंगे, असेट्स से शुरू करेंगे। इसके लिए हम असेट साइड की बैलेंस शीट के असेट साइड की संपत्तियों को लेंगे उनकी बाजार मूल्य पर, उनका जो वसूली मूल्य है बाजार मूल्य उस पर लिया जाएगा। यदि प्रश्न में मार्केट प्राइस की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर उन्हें रिटन डाउन वैल्यू पर यानी कॉस्ट माइनस डेप्रिशिएशन पर लिया जाएगा। इसमें हम प्लस करेंगे करंट असेट्स की वैल्यू को। करंट असेट्स पे यदि कोई प्रोविजन बना हुआ है तो उसको करंट असेट्स की वैल्यू में से लेस करके दिखाया जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट केवल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ही ऐड किए जाएंगे, जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है उनको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें इंटेंजिबल असेट्स का वसूली मूल्य। यदि बुक्स में इंटेंजिबल असेट्स का वसूली मूल्य दे रखा है तब तो इंटेंजिबल असेट्स को शामिल किया जाएगा, अदरवाइज इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। यानी इनका कोई वैल्यू है तो ही हमें इसको शामिल करना है असेट्स में। इसमें गुडविल को शामिल नहीं किया जाएगा, गुडविल की गणना हमको अभी खुद को करनी है। फिक्टिशियस असेट्स जैसे एक्सपेंसेस इन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, इन सबको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस तरह से सारी संपत्तियों के योग में से हम लेस कर देंगे दायित्वों को। दायित्व कौन कौन से लेस किए जाएंगे, उसमें पहला दायित्व है हमारा करंट लायबिलिटीज़ ले लेंगे, जिसमें हमारे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो भी हमारे करंट लायबिलिटीज़ हैं उनको इसमें से हम लेस करके दिखाएंगे। लेकिन इसमें कंटिजेंट लायबिलिटीज़ को शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो कन्फर्म हमारी करंट लायबिलिटीज़ उसको लेस करना है। फिर सारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लेस करने हैं इसमें, जैसे लोन फ्रॉम बैंक, डिबेंचर्स, ये सब आपको इसमें से लेस करना है। उसके बाद भविष्य के दायित्वों को बचाने के लिए यदि आपने कोई फंड बना रखे हैं, जैसे ग्रेचुटी फंड है, प्रोविडेंट फंड है, कर्मचारियों के लाभ के लिए, बोनस के लिए कोई और फंड यदि आपने या आयोजन बना रखा है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष में से कोई बकाया क्षतिपूर्ति की राशि है, तो इन सबको आप इन संपत्तियों में से लेस कर देंगे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो हमारी कहलाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम परफॉर्मे के फॉर्म में देखें तो ये हमारा इस तरह से बनेगा, फिक्स एसेट्स और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इसको हम लेंगे एट रिलाइजेबल वैल्यू यानी वसूली मूल्य पर। इसमें ऐड कर देंगे करंट एसेट्स आफ्टर प्रोविज़न, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क यदि इनका वसूली मूल्य है, यदि एट रिलाइजेबल वैल्यू है तो आपको ऐड करनी है, अदरवाइज आपको ऐड नहीं करनी है। फिक्टिशियस एसेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड, वो इसमें ऐड नहीं की जाएंगी। इसमें हम लेस कर देंगे ऑल करंट लाइबिलिटीज़, ऑल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। ये जो डेप्रिशिएशन होगा ये हमारा वसूली मूल्य पर निकाला जाएगा। एंड
फंड्स एंड फ्यूचर लाइबिलिटीज इन सबको हम लेस कर देंगे तो हमारी निकल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में यदि हमको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने अभी ऊपर निकाली थी परफॉर्मे में डिवाइड बाई टू, तो हमारी निकल जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन यदि क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने भी ऊपर निकाला था उसमें से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यदि हम लेस कर देते हैं तो भी हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। यदि प्रश्न में दोनों तरह की सूचना हो तो आप दोनों तरीके से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। यदि प्रश्न में हमें ओपनिंग दे रखी है तो हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, नहीं तो हमें थर्ड वाले फॉर्मूले से ही हमको निकालना हमारे लिए ईजी रहेगा, पर दोनों से वैल्यू सेम नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। इसमें करंट ईयर प्रॉफिट का जो वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट जो हम लेस करेंगे उसके लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसे लाभ जो कि वर्ष के अंत की पूंजी में जुड़ा हुआ है, अर्थात करंट ईयर के प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हमने लिया है वो कर के पूर्व लाभ में से, यदि बिफोर टैक्स प्रॉफिट है तो उसमें से हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस कर देंगे। करंट ईयर का यदि बैड डेट्स का कोई प्रोविजन बना हुआ है या स्टॉक व अन्य असेट्स पे कोई कमी हुई है, दायित्वों के मूल्य में कोई वृद्धि हुई है, यानी जो एडजस्टमेंट हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में किए थे उन सब एडजस्टमेंट को करने के बाद जो निकलता है वो हमारा करंट ईयर प्रॉफिट में एडजस्टमेंट यहाँ किए जाएंगे। यदि प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट में आहरण के रूप में निकाल लिया जाता है, यदि प्रॉफिट को आप हर साल निकाल लेते हैं तो औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात करते समय चालू वर्ष के लाभ का भाग नहीं घटाते हैं, क्योंकि चालू वर्ष के लाभ में अंतिम पूंजी में वृद्धि नहीं होती है, अतः अंतिम पूंजी ही औसत विनियोजित पूंजी होगी। यानी कोई भी बिजनेस वाला यदि अपना जो भी प्रॉफिट अर्न करता है वो पूरा निकाल लेता है संस्था में, उसको नहीं रखता है, तो फिर हमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को ही काम में लेना है, फिर हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की आवश्यकता नहीं है। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को हम संपत्तियों में शामिल नहीं करेंगे, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे कोई भी इनकम है तो उसको हम करंट ईयर प्रॉफिट में से लेस करके दिखाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट हमको करंट ईयर प्रॉफिट में करने हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड और है, हमारा एक वैकल्पिक विधि और है। यदि प्रश्न में कोई सूचना नहीं हो या फिर आपको यदि कंफर्टेबल लगे तो आप इस तरीके से भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ये हमारा इक्विटी अप्रोच है, जो हमने पहले देखा था वो हमारा असेट्स अप्रोच था, ये हमारा इक्विटी अप्रोच है, या इसको बोलेंगे हम लायबिलिटी अप्रोच है। इसमें यदि आपको निकालना है तो इसमें हम ले लेंगे पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। यानी हमको कोई प्रॉफिट हुआ है संपत्ति और दायित्वों के मूल्यांकन पर वो हम इसमें जोड़ के दिखा देंगे, और लॉस है तो हम लेस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसमें से लेस कर देंगे हम फिक्टिशियस असेट्स जैसे डिस्काउंट ऑन इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसमें से हम लेस कर देंगे गैर व्यापारिक विनियोग, जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है वो भी इसमें से हम लेस कर देंगे, और चालू वर्ष का जो लाभ है करके पश्चात उसका 50% भी इसमें हम लेस करके दिखाएंगे। मतलब वहाँ पे हमने असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ अप्रोच लिया था, यहाँ पे हम असेट्स माइनस लायबिलिटीज़ जगह पर यहाँ पे लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ माइनस फिक्टिशियस असेट्स। तो इससे भी हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी पड़ेगी हमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मोस्टली क्वेश्चन में दी हुई होती है। यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है हमारा डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी जो डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर करें उसको हम कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई बाय 100। यदि हमको NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक से अधिक वर्षों की दे रखी है तो उसका हम एवरेज निकाल लेंगे और उसमें प्रीमियम ऑफ रिस्क फैक्टर जोड़ देंगे तो भी हमारी NRR निकल जाएगी, यदि प्रश्न में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की सूचना नहीं है तो। एक ध्यान रखनी है, कंपनी की गुडविल के वैल्यूएशन की स्थिति में विनियोजित पूंजी की गणना में प्रेफरेंस शेयर्स पूंजी को नहीं घटाया जाएगा क्योंकि यह शेयर होल्डर फंड का ही भाग होता है। इसी प्रकार
भविष्य में कायम रहने योग्य लाभों में निकालते समय प्रेफरेंस शेयर्स पे जो लाभांश है उसे भी नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि ये भी लाभों का नियोजन है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो हमारा इक्विटी शेयर्स का ही पार्ट है, तो उसको एज एल आउटसाइड लाइबिलिटी हमको लेस नहीं करना है। अब इन बातों को ध्यान रखते हुए हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट हमें किस तरह से निकालना होता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, इसमें सूचना दे रखी है हमें लाइबिलिटीज़ में कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, क्रेडिटर्स, असेट्स में हमें बिल्डिंग दे रखी है एट कॉस्ट, करंट असेट्स दे रखी है, अदर इन्फॉर्मेशंस में बिल्डिंग का वर्तमान वसूली मूल्य दे रखा है 2,00,000 रुपये, करंट असेट्स का दे रखा है 2,80,000, और जो करंट ईयर प्रॉफिट है वो है हमारा यहाँ पर 80,000 रुपये का। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एज एट 31 मार्च 2020, यानी ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। सबसे पहले हम ले लेंगे फिक्स एसेट्स उसके वसूली मूल्य पर, उसकी मार्केट प्राइस पे ले लेंगे जो हमें दे रखी है यहाँ पे। सिर्फ बिल्डिंग है हमारी, तो फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग आ जाएगा, वसूली मूल्य आ जाएगा हमारा यहाँ पर 2,00,000 रुपये। इसमें ऐड कर देंगे हम करंट असेट्स, ये भी हमारी वसूली मूल्य पर आ जाएंगी, इनका वसूली मूल्य दे रखा है हमारा 2,80,000। यहाँ दो ही तरह के असेट्स है, दोनों को जोड़ देंगे तो असेट्स आ जाएगी हमारी 4,80,000। इसमें से लेस कर देंगे हम लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ यहाँ पर हमारी सिर्फ एक ही है, क्योंकि कैपिटल, रिजर्व्स, प्रोविजंस यहाँ पे हम लेस नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग का हमने मार्केट प्राइस लिया है वसूली मूल्य, तो हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ सिंपल हमारा लेस हो जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है हमारे यहाँ पे 1,40,000, उसको हम लेस कर देंगे तो ये निकल जाएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, ये आ जाएगी 3,40,000। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले हम ले लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड यहाँ दे रखा है हमें 3,40,000 जो हमने अभी निकाला था, इसमें से लेस कर देंगे हम हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। यहाँ पे करंट ईयर प्रॉफिट हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 80,000 रुपये, करंट ईयर प्रॉफिट है हमारा 80,000 रुपये, लेकिन चूंकि यहाँ की बिल्डिंग की वैल्यू में चेंजेस हो रहा है तो हमें डेप्रिसिएशन यहाँ पर चेंज करना होगा। तो बिल्डिंग है हमारी यहाँ पर, बिल्डिंग एट कॉस्ट दे रखी थी हमें 2,00,000 रुपये, इसका वसूली मूल्य भी 2,00,000 रुपये है, लेकिन चूंकि हमने वसूली मूल्य 2,00,000 लिया और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कोई भी हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन लेस करना होगा। तो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर रेट नहीं दे रखी है, डेप्रिसिएशन हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10% ऑफ कॉस्ट या वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 2,00,000 रुपये, तो हम नई वैल्यू पे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000, इसको हम लेस कर देंगे प्रॉफिट में से, तो करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 60,000, इसका 1/2 हम यहाँ पे लेस कर देंगे यहाँ से 30,000, ये निकल जाएगी हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3,10,000। तो ये तरीका है हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। वापस एक बार मैं ब्रीफ कर देती हूँ, जो भी सूचना में दे रखी है उसमें हम असेट साइड से अपन सारी करंट असेट्स और फिक्स एसेट्स को उनके मार्केट प्राइस पर या वसूली मूल्य पर लेंगे, उसमें से हम आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ लेस करेंगे जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को छोड़कर बाकी सारे जो हमारे दायित्व हैं, इधर बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, डिबेंचर्स,
करंट लाइबिलिटीज़ प्रोविजन्स उन सबको इसमें से हम लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम लेस कर देंगे हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। इस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट में ध्यान रखना है, इस करंट ईयर प्रॉफिट में से हमको डेप्रिसिएशन नया वाला घटाना है, जो भी हमारी नई वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन हमको लेस करना है। कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड है तो उसको हमको लेस कर देनी है, अदर जो भी एडजस्टमेंट उसको करने के बाद जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसका हाफ इसमें से हम लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तो क्वेश्चन में यदि यहाँ पे NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होती तो फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते थे। सपोज़ करो इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%, तो यहाँ पे फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 3,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पर हमारी 10%, तो ये हमारा आ जाएगा 31,000 रुपीज़। ये तरीका है हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का और नॉर्मल प्रॉफिट।